नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बनाएंगे ये वाला स्कैलोप जैसा जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल भी क्या है, प्योर ट्रायंगल नहीं है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कर्व है, इसको हम बनाएंगे। और ये हमारे जो इससे हम बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, छोटी सी पूजा करने के लिए आसनी, या और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, स्वेटर भी बना सकते हैं, बट अभी मैंने बनाया नहीं है, ट्राई करूँगी। और इसको मैंने स्टार्ट करने के लिए आप अपने बचे खुचे ऊनों का भी, या 2 कलर, 3 कलर, 6-7 कलर, जो भी कलर हो थोड़े थोड़े बचते हैं उनका आप एक एक ये स्कैलप बना के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एज हमने जो ऐसे एक इंटरलॉक पैटर्न का जो बनाया था, सेम कुछ कुछ वैसा ही है। ये देखिए रॉन्ग साइड से ये ऐसा दिखता है और ये इस तरफ से ऐसा दिखता है। तो इसको बनाने के लिए देखिए इस तरह से ये स्कैलप छोटा सा पीस बना है। इसको बनाने के लिए अगर सेम थिकनेस के ऊन होते हैं तो सब पीस एक जैसे बनते हैं, लेकिन अगर हमारे बचे खुचे ऊन हैं तो कोई मोटा होगा कोई पतला होगा, तो पीसेस थोड़े बड़े छोटे भी हो सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आप बेबी ब्लैंकेट बना रहे हैं तो जितना ही आपको उसकी चौड़ाई रखनी है ये पहले उतने बना लीजिए फर्स्ट रो में। जैसे ये मैंने 2 तो सिर्फ पैटर्न नमूने के लिए बनाया है, लेकिन अगर आपको इतने रखने हैं, 4 की लेंथ रखनी है, तो जैसे इस तरह से 4, जितनी मतलब 20 इंच बनाने हैं तो 20 इंच में जितने स्कैलोप आए उतने आप पीस बना के पहले रख लीजिए। फिर उसको ऊपर से देखिए, यहाँ पे मैंने ये फिनिश कर दिया तो ये पूरा फ्लैट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो ये देखिए बीच में इस तरह से गैप आया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए अगर हम इवन नंबर में फंदे डालते हैं, कई तरह से बना सकते हैं, इसमें 2 कलर की भी धारियाँ डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही कलर का बना रहे हैं। इसमें इवन नंबर में अगर फंदे पड़ते हैं स्टिचेस तो ये थोड़ा सा सही रहता है। यहाँ मैंने 18 फंदे डाले हैं, तो 18 फंदे डालने से ये देखिए इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखिए 9, और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 इधर है, 9 इधर है। तो क्योंकि हमें जो फंदे उठाने होंगे, और इधर का ये जो है पहला फंदा उतारेंगे तो स्मूथ होगा, जिससे हमें फंदे उठाने में आसानी होगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप वीडियो को देखें जरूर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको देखें भी, अब तो मौसम आ गया है, आप देखना स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है प्लीज़ उसे देखें, जिससे मुझे बता सकें कि मैं उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो ये मैंने येलो कलर से 18 फंदे डाल लिए हैं, और 18 फंदे डालने के बाद हम इसकी फर्स्ट, ये 18 फंदे डाल के देखिए, और ये गार्टर स्टिच में बना जाएगा। गार्टर स्टिच में उल्टी तरफ से भी सीधा और सीधी तरफ से भी सीधा। तो पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और ये फिर उनको पीछे करेंगे और सारे फंदे हम बिन लेंगे। ये जो हमारे किनारे हैं, ये जो ये वाला है, ये हमारा स्मूथ आना चाहिए। पहला फंदा हमने उतार लिया और एक एक कलर से, दूसरा दूसरे कलर से, इस तरह से भी करके हम बना सकते हैं। ये पहला उतारा, फिर उनको हम पीछे कर लेंगे और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 एक फंदा यहाँ स्टार्टिंग में खुल गया था। तो अब ही हमारे पास लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, तो इन लास्ट के 2 फंदों को हम एक साथ सीधा बुन देंगे। ये इस तरफ से भी 2 का 1 कर दिया। फिर हम इधर पलट जाएंगे और पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये देखिए ये इस तरह से ऊन है, तो इसको हम पीछे कर लेंगे और ये फंदा भी हम सारा एंड तक सीधा बुन लेंगे। और जब लास्ट में 2 फंदे बचेंगे तो दोनों को एक साथ सीधा बुन देंगे। तो चलिए ये पूरे फंदे बुन लेते हैं, लास्ट में जब 2 बचेंगे तो वहाँ पे देखते हैं।
ये देखिए लास्ट में हमारे पास दो फंदे से बचे, अब इन दोनों को भी एक साथ हम सीधा बना लेंगे। हर सिलाई में एक दोनों तरफ किनारे वाले फंदे घटाने हैं, तो ये इस तरफ से शेप आता जाएगा। तो दो का एक कर लिया, फिर सिलाई को टर्न कर लेंगे। अब जब हम यहाँ एंड में आएंगे तो दो का एक करेंगे। स्टार्टिंग में तो हमने ये फंदे ऐसे उतारे, ये ऊन हमारा आगे ही है, फंदे ऐसे उतारे, अब ऊन को ऐसे पीछे कर देंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये लास्ट के दो फंदे बचे हैं। तो ये दो फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे सिलाई में और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे, दो का एक। अब सिलाई को पलट लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और इधर एंड में आके हम दो का एक करेंगे। इसी तरह करते हुए लास्ट में हम देखते हैं हम क्या करते हैं। हर इधर अब सीधी तरफ हमने यहाँ पे दो का एक किया था, तो उल्टी तरफ हम इधर फंदा उतार लेंगे और इधर एंड में हम दो का एक करेंगे। तो चलिए इस तरह से बुनते हुए हम अपना एंड में जब दो फंदे बचेंगे तब हम देखते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से दो, इधर से भी दो का एक, इधर से भी दो का एक करते हुए अब हमारे पास 18 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, अब हमारे पास यहाँ पे चार फंदे हैं। अब एक बार हम और देख लेते हैं इनको। ये पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर उनको पीछे किया, दो तीन। अब यहाँ स्टार्टिंग में दो फंदे बचे हैं, तो इन दोनों फंदों को एक साथ दो का एक कर लिए। फिर यहाँ पे हम ऊन सिलाई पलटेंगे, ऊन आगे ही रहेगा और इसको पीछे करेंगे, दो, और ये दो फंदे बचे हैं तो इन्हें दो का एक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने सीधी तरफ दो का एक किया है, तो जब हम उल्टी तरफ आएंगे तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये दो फंदों का एक फंदा करेंगे। अब हमारे पास लास्ट में देखिए दो फंदे बचे हैं, तो सिलाई को पलटेंगे, ये हमारा ऊन आगे ही रहेगा और इन दोनों फंदों को एक साथ दो का एक करके एंड कर देंगे। ये देखिए दो का एक हो गया और अब इसको ऊन को थोड़ा सा लंबा करके हम इसको काट देंगे। ये देखिए लास्ट में एक फंदा बचा है, अब हम ऊन को यहाँ पे ऐसे काट के और इसे बंद कर देंगे। ये इस तरह तो ये हमारा पीस बनके तैयार हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा फंदे डालेंगे तो बड़ा पीस बनेगा, छोटा छोटा डालेंगे तो छोटे पीस बनेंगे। इस तरह से हम जितनी लंबाई हमें चौड़ाई जिस किसी चीज़ की विड्थ रखनी है उतना बड़ा हम पीस बना लेंगे और फिर उनको हम ज्वाइन करेंगे। तो सपोज हमारा, और आप इसे मल्टी कलर से, जो भी आपके थोड़े थोड़े से ऊन बचे, बहुत थोड़ा थोड़ा ऊन लगता है तो आप उसको एक दूसरे कलर का ऐसे ऐसे डिब्बियों से बना लें। देखिए अब हमारे पास ये दो हैं, इन दोनों पीसों को कैसे ज्वाइन करेंगे इसको हम देखते हैं। इसको करने के लिए देखिए मैंने पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे 18 फंदे डाले हैं तो हमारे पास ये 9 बचेंगे। ये लास्ट में यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये चोटियाँ जो आपको दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ जो हमारी 9th वाली है इसमें ये सिलाई को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम जिस कलर से भी इसके ऊपर, ऐसे देखिए इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया है तो ये हमने येलो वाली डिब्बी बनाई है और अब इन दोनों को हमें जिससे इसके ऊपर हमें जो डिब्बी बनानी है हमें वो कलर लगाना होगा। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ पे ये हाफ ट्राइंगल बना है, देखिए जैसे ये जो हाफ कर दें ये इस तरह से, ये जो कॉर्नर्स हैं ये इस बराबर फ्लैट रख करने के लिए, तो जो इसका हाफ पोर्शन है ये अगर इसको हम इस तरह फोल्ड करें तो आप देखेंगे ये चीज़ बना हुआ है। तो ये देखिए, तो अब इन दो डिब्बियों को हम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो हम राइट साइड में रखेंगे, ये राइट साइड में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये चोटियाँ सी बनती हैं ये देख के पता ही चल जाता है, तो यहाँ हम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी जो नाइन्थ वाली चोटी है इसमें इंसर्ट करेंगे और हम इसको येलो कलर से ज्वाइन करते हैं। जैसे ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ये ऐसे एक फंदा, फिर दूसरी चोटी के अंदर ये दो उठाएंगे, ये देखिए ये एक और एक ये दो, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये देखिए दो चोटी दोनों, ये देखिए इस तरह से दोनों आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और एक ही लास्ट वाला ये 9, ये 9 उठ गया, 9 फंदे उठ गए। अब उसके बाद इसका भी राइट साइड वाला फेस अपनी राइट साइड की तरफ रखेंगे और इसके भी यहाँ से हर सिलाई में से एक एक फंदा उठाएंगे। ये देखिए 9 इधर से उठाए और 9 इस वाले से उठाएंगे, तो हमारे पास एक एक पीस में से मैंने 9 फंदे उठाए। अब इसके सेकंड पीस से भी हम 9 फंदे उठाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये टॉप वाला, ये थोड़ा लूज होता है तो संभाल के इसको उठाएं, 9। ये 9 फंदे हमने इस वाले से उठाए, 9 फंदे हमने इस वाले से उठाए, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 हो गए। अगर हम 14 उठाएंगे तो हमारे पास ये 7 होंगे, तो एक तरफ से 7 और दूसरे पीस से 7, तो हमारे पास ये 14 होंगे। तो अब बनाना इसको हमें वैसे ही है, इसको टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे इस तरह से, फिर ऊन को हम पीछे करेंगे। इसमें भी हमें जो साइड में ये जो चोटियाँ जो ये चीज़ें ये इवन आनी चाहिए, क्योंकि हमें आपने देखा उसी में से फंदे उठाने होते हैं। और इसको भी 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये देखिए यहाँ पे ढीला हो गया, तो इसको हम बहुत संभाल के हमें यहाँ पे टाइट रखना है, क्योंकि ये बीच में गैप हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा खींच के और पास ला देंगे, 9 टाइट कर लेंगे दोनों पीसों को जहाँ से ज्वाइन किया था, 10 11 12 13 14 15 16, ये लास्ट के बचे 2 16 17 18। अब इसको हम यहाँ पे पहले गांठ बांध दें, नहीं तो ये खुल जाएगा। और ये दोनों फंदों को, लास्ट के दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे, मतलब 2 फंदे इधर हमने एक साथ सीधे बुन दिए, तो ये 2 का 1 बन गया। अब हम फिर पलट लेंगे, पलटने के बाद ऊन हमारा देखिए आगे ही है, इसको फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, फर्स्ट स्टिच है, फिर ऊन को पीछे करेंगे और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब इधर लास्ट के 2 बचे, तो इन दोनों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। ये
अब ये देखिए हमारे दोनों पीस आपस में जुड़ गए, जैसे कि ये वाला जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से पलटते हुए, इधर हमने दो का एक किया है तो इधर हम पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे दो का एक करेंगे, फिर उधर पलटेंगे, दोनों तरफ से सीधा बनते हुए दोनों किनारे पे दो का एक करेंगे तो घटाएंगे, तो इस तरह से ये ट्राइंगल पीस बन जाएगा। तो चलिए हम दोनों तरफ से घटाते हुए बीच में जब दो फंदे बचेंगे तब देखते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से दो का एक करते हुए हम लास्ट में आ गए, जबकि हमारे पास ये चार फंदे बचे हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया, सिलाई ऊन को पीछे किया, एक फंदा सीधा और फिर ये दो का एक, फिर सिलाई को ऊन आगे किया, टर्न कर लिया क्योंकि उधर हमने लास्ट में दो का एक किया था, तो इधर हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, ऊन को पीछे करेंगे और ये दो फंदे एक साथ बुन देंगे। अब हमारे पास दो फंदे बचे, फिर हम सिलाई को इस तरह से पलट लेंगे और ऊन हमारा आगे ही है और इन दोनों फंदों को एक साथ हम दो का एक कर देंगे और ये देखिए हमारा एंड हो गया। अब इसको हम यहाँ से कट करके ये क्लोज कर देंगे। अब आपके ये दो पीस देखिए जुड़ गए, जैसे ये वाला पीस जुड़ा हुआ था, इन दो पीसों के ऊपर ये वाला ट्रायंगल बना है, उसी तरह से ये वाला पीस मेरा जुड़ गया। एक हमारा येलो कलर का था, एक हमारा ये सी ग्रीन कलर का था, इसके ऊपर मैंने ये येलो से जोड़ दिया। अब हमारे ये साइड के दो हाफ ट्रायंगल हाफ जो ये हैं ये बनेंगे, तो उन दोनों को हमें यहाँ से ऐसे बनाने उठाना होगा और इस जगह से ऐसे उठाना होगा। इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में उठाएंगे। आप पहले ही स्कैलोप बनाना बना के देखिए, इससे आप अपने अकॉर्डिंग इससे टॉप भी बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं और भी कोई फ्लैट चीज़ हो जो आप इसको अब बना सकते हैं। उतनी टिक्कियाँ सबसे पहले बनाइए जितनी आपको चौड़ाई रखनी है, विड्थ रखनी है, उसे बना के और ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद हम ये हाफ स्कैलोप बनाएंगे और ऊपर कैसे इसको फ्लैट, ऊपर ये वाला फ्लैट कैसे करेंगे ये बनाना हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ देखिए भी, तभी आप मुझे बता सकेंगे कि मैं कैसे और इम्प्रूव करूँ और आपको नई चीज़ बना के दिखाऊँ। तो थैंक यू। सर्दियाँ अपने पीक पे हैं, आप भी बना के ट्राई कीजिए। इंजॉय निटिंग।